अम्मी क्या हो गया? अम्मी क्या हुआ? मेरी बात तो सुने आप। अब सुनने के लिए रह क्या गया बेटा? ये ऐसा क्या हो गया है? आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे मैंने पता नहीं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। क्या कहूं मैं तुम्हें बेटा, क्या कहूं? अगर तुम्हें मेरा ख्याल नहीं था ना तो शहरयार भाई के एहसानों का ईमान रख लेते। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए? हमेशा बेटों की तरह चाहा तुम्हें, और तुमने क्या किया? सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया। तभी मैंने आपसे कहा था कि आप खुद बात कीजिएगा बीना के बारे में मेरे। जब शहरयार भाई ने मेरे मुंह पे मना कर दिया तो पीछे रह क्या गया था कहने के लिए? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर सानिया में क्या कमी है। सानिया में कोई कमी नहीं, दिल का मामला। अच्छा नहीं कर रहे हो बेटा तुम। आज शहरयार भाई के सामने तुमने अपनी माँ का सर शर्म से झुका दिया। हमें खालू अच्छे आदमी हैं, अच्छे बुरे को समझते हैं, और वो सानिया और बीना में कोई फर्क नहीं रखते। ऐसा तुम्हें लगता है बेटा, लेकिन सगी औलाद सगी ही होती है। दिल को प्यारी, उन्होंने भले तुम्हारे सामने जाहिर नहीं होने दिए, लेकिन दुख उन्हें भी हुआ है। मैं माफी मांग लूंगा खालिस, बीना के लिए भीख मांग लूंगा उनसे। अब आप खुश हैं? कर लो, तुमने जितनी मनमानी करनी है ना बेटा कर लो, लेकिन याद रखना अगर तुम्हारी वजह से इन रिश्तों में दरार आई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी।